गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर इंग्लिश ग्रामर क्लास सेकेंड. लेसन नेम इज एडजेक्टिव. लेसन सेवन. आज हम क्लास सेकेंड की जो सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर की, लेसन सेवन की हम आज डिस्कस करेंगे. लेसन का नाम है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है संज्ञा की विशेषता वाला जो शब्द है, बताने वाला जो शब्द है उसको बोलते हैं विशेषण हिंदी में. तो ये एडजेक्टिव क्या है इंग्लिश में हम देखेंगे. उसका डेफिनेशन है, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स. तो जो एक वर्ड्स है तो वो क्या डिस्क्राइब करता है, यानी कि वर्णन करता है नाउन और प्रोनाउन को, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव वर्ड्स, यानी कि वर्णन करने वाला शब्द या क्या है विशेषण. तो इसमें हम एग्जांपल देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल टॉल मैन, इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए जो अंडरलाइन में की हूँ, टॉल मैन यानी कि लंबा आदमी, ठीक है. और उसके बाद है कॉल्ड वाटर, यानी कि कॉल्ड वाटर मीन्स यहाँ पे जो अंडरलाइन में की हूँ कॉल्ड वाटर, तो कॉल्ड क्या है, ठंडा, ठंडा पानी. ठंडा क्या है, वाटर कैसे है, ठंडा है. टू कप्स, यहाँ पे जो टू है नंबर को बताया गया है, और हाउ मेनी कप्स आर देर, टू कप्स यानी कि दो कप्स है. रेड शर्ट, शर्ट के कलर कैसे हैं, रेड शर्ट. और हम आगे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बताया गया है, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच टेल अस व्हाट काइंड, कौन सी काइंड्स का है, हाउ मैनी कितने हैं, ऑफ व्हाट कलर एक्सेट्रा, यानी कि तीनों चीज़ को यहाँ पे चार चीज़ को हम देखें कि लंबाई कितना, या वो लंबा है या छोटा है, फिर ठंडा है या गर्म है, यानी कि कितने हैं, हाउ मेनी नंबर्स के बारे में बता रहा है, और कलर के बारे में ये बता रहा है. द वर्ड्स इन ब्लू कलर आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव, जैसे कि मैं ब्लू कलर की पहनी हुई हूँ, तो ये ब्लू कलर की ड्रेस है. दे यूजली कम बिफोर नाउन, नाउन के पहले ये आता है, जो भी है इसका जो ये विशेषण है नाउन से पहले आता है. तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी एग्जाम्पल्स है उसको हम देखेंगे. द काओ इज वाइट, यहाँ पे दिया गया है बुक्स में, आपकी ग्रामर वाली बुक्स जो है ग्रामर सक्सेस विथ कंपोजिशंस गॉल ब्रदर प्रकाशन की है. और यहाँ पे जो सेवन चैप्टर एडजेक्टिव में हम पेज नंबर 31 का डिस्कस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे देख रहे हैं, लेट अस अंडरस्टैंड समटाइम्स वी प्लेस द एडजेक्टिव आफ्टर द वर्ब्स इज और आर. फॉर एग्जाम्पल, तो देखेंगे हम कि ये जो एडजेक्टिव चैप्टर में वर्ब लगती है और उसमें क्या लगती है, इज और आर लगती है. द काओ इज वाइट, द काओ, काओ का आगे क्या है, इज वाइट. काओ का कलर कैसा है, वाइट, सफ़ेद. द बॉय इज टॉल, बॉय कैसा है, लंबा है. द मैंगोज आर स्वीट, मैंगोज यानी कि कितने नंबर्स हो गए, यहाँ पे टू से अबव, वन से अबव है, तो इसलिए थ्री मैंगोज है, और मैंगोज है इसलिए ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के आगे क्या लग रही है, ये आर. मैंगोज आर स्वीट, मैंगो कैसा है, टेस्ट में मीठा है. द वेजिटेबल्स आर फ्रेश, यहाँ पे क्या है, एक वेजिटेबल नहीं है लेकिन बहुत है, प्लेट के अंदर बहुत वेजिटेबल्स है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल हो गया, और फिर उसके आगे क्या लगा, फिर फ्रेश, आर, आर यहाँ पे यूज हुआ, इज नहीं, आर, आर फ्रेश, यानी फ्रेश वेजिटेबल्स प्लेट के अंदर है. तो बच्चों हम यहाँ पे देखें, जो एक वर्ड्स है और वर्णन करना करता है नाउन और प्रोनाउन को, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहा जाता है. जैसे कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया गया है, राइट सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द फॉलोइंग नाउन्स में,
इसे कुछ पिक्चर दिया गया है, एक तो हैंड की, एक तो हैट की, और उसके बाद बुक का, और फिर पेन, उसके बाद जग, और फिर बटरफ्लाई। तो उसमें ये बताया है इसका कलर कैसे हैं। जैसे हैंड के कलर है वाइट, अ वाइट हैंड। उसके बाद जो हैट पहनते हैं, कैप है ना सिर पे, तो उस वो कैसा है, लंबा है या छोटा है, अ टॉल हैट। अ थिक बुक यानी कि मोटा वाला बुक। और पेन का कलर कैसा है, यहाँ पे पेन का कलर है ब्लू, अ ब्लू पेन। पेन के कलर कैसे हैं, ब्लू। और जग, यहाँ पे जग है, और जो छोटा है या बड़ा है, तो यहाँ पे दिया गया है कि छोटा है इसलिए साइज में यहाँ पे हम लिखेंगे अ स्मॉल जग। उसके बाद हम देख रहे हैं एक बटरफ्लाई की पिक्चर है, अ कलरफुल बटरफ्लाई। एक कलर की बटरफ्लाई नहीं है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट्स कलर्स है, इसीलिए कलरफुल बटरफ्लाई। तो ये आपका जो एक्सरसाइज ए में हम अभी देखें, जो नाउन्स का, सूटेबल नाउन्स का एडजेक्टिव विशेषण के बारे में, तो इसमें किसी का तो कलर दिया गया है और किसी का तो साइज दिया गया है। हाँ, ये विषय को हम यहाँ पे देखें, और कोई तो क्या है, काइंड्स दिया गया है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखें। तो बच्चों, और आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, और ये लेसन को आप अपने बुक से देख के भी आप लोग जो एग्जांपल्स है उसको फॉलो करना, तो आपको क्या होगा, ये एडजेक्टिव्स जो विशेषण है आपको समझ में आ जाएगा, और उसके अनुसार फिर आगे आप लोगों को ये एक्सरसाइज वगैरह भी इजी हो जाएगी। ओके, आज के लिए इतना है, और आगे हम दूसरे जो चैप्टर है उसके हम बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।